अस्सलाम वालेकुम इजाज़ भाई, कैसे हैं आप? ठीक हैं? तबीयत कैसी है आपकी? ठीक ठाक है। अच्छा इजाज़ भाई, आपसे ये पूछना कि ये जो आपने पेंट का काम स्टार्ट किया है, तो जब आपने स्टार्ट किया था तो आपके पास कितनी इन्वेस्टमेंट थी? और अगर एक दोस्त ये पेंट का काम करना चाहता है तो नॉर्मली उसके पास कितनी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए कि वो अपना ये बिज़नेस स्टार्ट कर सके? दोस्तों ये जैसा कि आप देख सकते हैं, पेंट की शॉप पे हम अभी इस टाइम बैठे हुए हैं, तो ये इजाज़ भाई हैं जो कि शॉप के ऑनर हैं। जी बताएं, तकरीबन थोड़ा सा ऊंचा बोल रहे हैं आप, 10 लाख तो होना चाहिए। अच्छा, कुछ कंपनी को देखें तो कंपनी पे उधार भी देती है। अच्छा, जैसे आवाज़ आपकी कम है, थोड़ा सा ज़ोर से बोलें। कंपनी वाले जो लेंगे ना पैसे, तो वो कुछ उधार भी कर लेते हैं। अच्छा, आप कह रहे हैं कि कंपनी वाले उधार कर लेते हैं और आपको माल दे देते हैं? ठीक हो गया। तो नॉर्मली आप माल वगैरह कहाँ से मंगवाते हैं? लाहौर से? लाहौर से आता है। लाहौर से मंगवाते हैं, ठीक हो गया। तो आपके पास कौन सी कंपनीज के पेंट वगैरह पड़ा हुआ है? माल किस टाइप का पड़ा हुआ है? कौन कौन सा मटेरियल? मास्टर ब्राइटो और डायमंड का पड़ा हुआ है, ठीक है। और इसके अलावा आपकी शॉप पे क्या है? अच्छा, पेरिस वगैरह, प्लास्टर ऑफ पेरिस है, ठीक है। तो आपने जैसा कि बताया कि भी नॉर्मल जब आपने काम स्टार्ट करना है तो 10 लाख होना चाहिए। जी। सही है। और जिस बंदे ने ये काम स्टार्ट करना है उसके पास, जाहिर सी बात है हर बंदे की अपनी जगह तो नहीं होती ना, आपको शॉप भी चाहिए रेंट के लिए, तो उसका जो रेंट होता है नॉर्मल वो कितना होता है एवरेज अगर देखा जाए? अगर आप किसी क्या कहते हैं उसको, मेन बाज़ार में लेते हैं, उसका कितना रेंट होता है? या किसी आम सा बाज़ार हो उसमें रेंट कितना होता है? आम तौर पे मैं बात कर रहा हूँ, 8,000 महीने का किराया होता है। अच्छा, एवरेज आप कहते हो 8 से 10 हज़ार किराया होता है? ऐसे ही होता है, तो कुछ एडवांस भी लेते हैं। अच्छा, एडवांस कितना होता है? 1,20,000 ऐसे लेते हैं। अच्छा, और अगर मेन पे हो? मेन पे तो ज़्यादा किराया होता है, ज़्यादा किराया, और पगड़ी भी उसकी ज़्यादा हो जाती है, एडवांस ज़्यादा हो जाता है। सही है। तो टोटल मतलब कितनी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए बंदे के पास? 10 लाख का तो मटेरियल हो गया ना, इसके अलावा पीछे कोई बैकअप पे भी होना चाहिए पैसे? कितने होने चाहिए? 2-2.5 लाख। अच्छा, तो मतलब किस टाइप का ये बिजनेस है, इसमें है बचत? है, बचत तो है। अच्छा, मतलब एक बाल्टी के पीछे आपको कितने पैसे बच जाते हैं? वो तो जैसे जैसे माल रखेंगे वैसे पता लगेगा कितनी बचत है कितनी नहीं, क्या। अच्छा, ठीक है। तो ये जो बंदे काम करते हैं पेंट वाले, इसमें जो मजदूर होता है जी, उसकी मजदूरी आजकल कितना चल रही है आजकल के टाइम में? और जो उसका मेन उस्ताद वगैरह होता है, क्योंकि जिस तरह हम मिस्त्री काम करते हैं ना जी, वो क्या कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, उनकी जिस तरह होती है मजदूरी होती है कि भाई 600 है मजदूर की या 700 है, और जो मेन जो मिस्त्री होता है उसका हेल्पर होता है उसकी 600 है, जो अच्छा कारीगर है उसकी 800-900 है। अच्छा, मजदूर की 600 है और जो अच्छा कारीगर है उसकी 800-900 हज़ार रुपये, इस तरह है। ठीक हो गया। तो दोस्तों जैसा कि आप ये देख सकते हैं, ये जी पेंट की शॉप पे अभी इस टाइम हम आए हुए हैं, तो ये डिफरेंट कंपनीज का पेंट पड़ा हुआ है। ये सारे मास्टर का है और ये दूसरी कंपनीज के पड़े हुए पेंट। इसके अलावा ये भी पेंट है। अच्छा इजाज़ भाई, ये क्या है पैकेट्स में? पैकेट में कलर रहे हैं, चूने में मिलते हैं। अच्छा अच्छा, चून मिक्स करते हैं, बिस्तरी वगैरह भी ले जाते हैं। अच्छा अच्छा, जी। ये ब्रश पड़े हुए हैं डिफरेंट टाइप के, और ये जो पीछे पड़ा है स्टोर में थैलों में, चूना है और प्लास्टिक पेरिस के बोरे। अच्छा, चूना और प्लास्टिक पेरिस के। ये जी प्लास्टर ऑफ पेरिस पड़ा हुआ है, ये सारे वाइट जिस तरह आप थैले देख सकते हैं, इस सारे जो वाइट थैले हैं इसमें प्लास्टर ऑफ पेरिस पड़ा हुआ है। और ये जो ब्राउन वाले, इनमें क्या है? ये चूना है।
आ जाए आ जाए। इन थैलों में क्या है, चूना है? इसमें चूना है, वो प्लास्टिक पेरिस के बोरे हैं। अच्छा अच्छा, ये प्लास्टिक पेरिस है। और ब्रश वगैरह, ब्रश वगैरह ये पड़े हैं सारे। ये क्या कहते हैं इसको, नील है? नील नील, ये नील पड़ा हुआ है। ये भी मास्टर का पेंट पड़ा हुआ है। ये स्प्रे पेंट है, इसमें नील वगैरह पड़ा हुआ है। इसमें ब्रश पड़ा हुआ है। अच्छा, मतलब जिसमें कोई लकड़ी का दरवाजा है उसमें, लकड़ी का दरवाजा भी है, और ये जो पेंटर दिखाइया नहीं करते उसके लिए भी काम आता है। अच्छा अच्छा, तो जिस तरह ये साइज है, छोटे बड़े हैं, तो इसी तरह इनके पैसे हैं? छोटी के पैसे उसी के हिसाब से। अच्छा 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 अच्छा, दोस्तों ये छोटे साइज के ब्रश है, और ये उससे छोटी कलम है, ये उससे छोटी कलम है। अच्छा, इन जितना बारीक काम होगा उसके लिए, हाँ, उसके लिए। ठीक हो गया। अच्छा उमर भाई, ये क्या चीज है? ये अफशा होती है, इसके पारे के लिए काम आती है, पेंट के अंदर। अच्छा, ये जो दीवार के ऊपर हमें नजर आता है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक हो गया। तो ये इसको कैसे लगाते हैं? पेंट के अंदर डाल के, मिक्स करके लगाते हैं। अच्छा जी।